टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार। अरे इतनों को सुनते हो, थोड़ा हमें भी सुन लो। और ये सुन के ना घबराना नहीं है। मजेदार। ये मजेदार शो है, काफी अच्छा फ्लो है, शो काफी फास्ट है, गाना थोड़ा स्लो है, होस्ट करेंगे थोड़ा रोस्ट करेंगे, जो पसंद आ जाए उसे पोस्ट करेंगे। बाय, मैं कुछ बोल लूं? बोल ले बेटा, शुक्रिया। हम बात भी करेंगे, दो हाथ भी करेंगे, और लाइट भी करेंगे, और राइट भी करेंगे, हम काम भी करेंगे, हम नाम भी करेंगे, सब शोर भी करेंगे, वंस मोर भी गाएंगे। यार आदि, तू तो अच्छा कर रहा है यार, कैमरा ट्रिक है फैजू। मजेदार। कुछ दोस्त भी होंगे, दो होस्ट भी होंगे, क्यूट मोस्ट भी होंगे, फिर टोस्ट भी होंगे, सारा फैंस का करम है, यही अपना भरम है, कुछ जोक्स हैं ठंडे पर, शो ये गरम है। आम आदमी आएगा, 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 कहानी सुनाएगा, 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 टैलेंट भी आएगा, 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 चांद लगाएगा, लगाएगा, लगाएगा। मजेदार। ये तो बहुत ही मजे का है यार, किसने बनाया मेरा अंडे वाला बर्गर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है फैजान शेख और आप देख रहे हैं द मजेदार शो। इस शो का नाम मजेदार इस वजह से है कि हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको बोर नहीं होने देंगे, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, हम आपको पॉजिटिव कर देंगे। अगर आप नाराज हैं, हम आपको मना लेंगे। अगर आप गिर रहे हैं, हम आपको उठा लेंगे। और इस शो को हमने बहुत मुख्तलिफ रखा, और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। यहाँ पर आएंगे आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी, हम खेलेंगे उनके साथ गेम्स, और ना सिर्फ मशहूर लोग बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे आने वाले टैलेंट को, जो कि यहाँ आकर अपने टैलेंट को शोकेस कर सकता है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर फैसल, इमरान, यासिर और जुहेब, जो कि हमारे बैंड का हिस्सा है, जो कि हमारे साथ थ्रू आउट रहेंगे। आप लोग जहाँ बैठे हैं, बैठ के सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाइए। थैंक यू गाइज, आप लोग हम इन्जॉय करते रहेंगे। और ये हमारे लाइव बैंड है, और आपको पता है जब मजे की बात होती है तो मेरा फैटर हाफ मेरे साथ हमेशा मौजूद होता है। आप सबकी भरपूर तालियों में, जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। आदि आदि रंजन, मजेदार शो है, काफी अच्छा फ्लो है, शो काफी फास्ट है, गाना थोड़ा स्लो है। आदि कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आगे आप लोग मजेदार शो पे। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम टाइम जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करेंगे। हम बुलाएंगे हमारे पहले गेस्ट को, और कितना मुश्किल गेस्ट है कि हमारे पहले गेस्ट कौन होंगे? आदि आप मुझे बताएं। मुझे लगता है कि हमारे पहले गेस्ट, वो गेस्ट तो नहीं है यार फैजान, वो ऐसे हैं कि वो हमारा हिस्सा है, हम उनके साए में हमेशा खड़े होते हैं हमेशा। तो और मुझे लगता है कि आप लोग गेस्ट कर चुके होंगे, ये वो है तो बता दें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो कि जब वो आए तो ऊपर से ना बिजली कड़के, अच्छा, सब कुछ स्लो हो जाए और ऐसा हो कि पता लगे कि कौन है। भाई हमारे यहाँ बहुत, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो जहाँ आते हैं और जो करते हैं ना वो कमाल करते थे। इनको मैं गिरगिट बोलता हूँ, आप समझिए कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन गिरगिट ये ऐसे हैं कि गिरगिट जिस जहाँ बैठता है वो रंग पकड़ लेता है। ये जिस स्क्रिप्ट पे बैठते हैं उस पे ऐसा छा जाते हैं, उसको अपना लेते हैं। बिल्कुल, कभी बशर मोमिन बन जाते हैं, हाँ कभी रोहेल बन जाते हैं, ओह मतलब जो चाहे, कभी बूटा बन जाते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको मैं कमीलियन कहता हूँ, क्योंकि ही हैज़ दी क्या कहते हैं उसको, इतने ज़्यादा वर्सिटिलिटी है इनकी कि इनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। और हमारे ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं। अब तो आपने गैस अब तो कर ही लिया। अब तो देखें, अगर हम आपको मोटरसाइकिल दे रहे होते तब तो आप कर चुके होते, लेकिन प्लीज करने की कोशिश करें। पता आ गए, वो आ गया। आदि ये सब कुछ स्लोमो क्यों हो गया है? आदि आप सबकी भरपूर तालियों में, वही तालियां जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। और ऑन एयर ये जरूरी है, क्यों भाई? थैंक यू फॉर कमिंग, यू वेलकम, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। और नाजरीन को लग रहा होगा कि
अब हम गेस्ट हैं, ये होस्ट हैं। आज ऐसा नहीं है, आज ये दोनों होस्ट हैं, मैं गेस्ट। वैसे भाई कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ। ये क्या आप ट्रिम हुए जबरदस्त, ये कैसे करते हैं यार आप? यार ये करना पड़ता है भाई, काम ऐसा है। मैंने एक बात बताऊं, आपकी तस्वीरें देखी थी, मुझे लगा आपने कोई फोटोशॉप वाला हेयर कर लिया। हाँ। लेकिन आप तो पतले होते जा रहे हैं भाई। अभी शुरू किया हुआ है काम, अभी लगेंगे 2-2.5 महीने और। मुझे चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह 2 इंच और बढ़ गए। ये तो होगा, ये तो होगा। वेरी हैप्पी, ही इज सपोर्टिंग सम पीपल स्पेसिफिक। अच्छा मुझे ये बताएं वैसे भाई, आप ये कैसे करते हैं कि जिस चीज को आप पकड़ते हैं उसमें आप ऐसे चले जाते हैं माशाल्लाह कि वो आपका अपना लगता है, ये क्या यार? देखो एक तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस फ्रॉम द एज ऑफ क्या, मैं 4 साल का था तब से ये काम कर रहा हूँ। तो कैमरा था तो मैं क्या बेटा अंग्रेजों के साथ आया था या मुगलों के साथ आया था मैं? सो 4 साल की उम्र से या शायद उससे भी पहले से मैं काम कर रहा हूँ। एंड आई वर्क्ड विद जो हमारे लेजेंड्स हैं या लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो आज हयात हैं या दुनिया से चले गए हैं, उन सब के साथ काम किया है। और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, आबिद अली साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिरदौस भाई या ख़याम साहब या इस तरह के जितने भी नाम हैं, कवि अंकल, ये मैं छोटा सा था, मुझे याद है PTV में मुझे ले जाकर ना यावर साहब के कमरे में बिठा देते थे, यावर हयात साहब के, और ये लोग बातें करते थे, मैं बैठा ऐसे सुनता रहता था कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। बट फिर मैंने बहुत बाद में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैंने आबिद साहब का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सो मच, वो जो आप मेरा मदरबोर्ड बना रहे थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। सो उसमें बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल, मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा आपने छोटी सी आपने देखी कि हमने कोशिश की है। हाँ। कि हमारी इतनी हिम्मत हुई कि हमने गाना ही गा दिया। बहुत अच्छा गाया है, बड़ा मजे का है ये रैप। और क्योंकि हमारी पहली एपिसोड है तो हम चाहते हैं कि हम उसका BTS आपके साथ शेयर करें कि ये गाना किन मुश्किलों से गुजर के हमने ये गाना बनाया। तो हम जल्दी से आपको BTS दिखाते हैं, फिर हम वापस आते हैं। बहुत हम लोग आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं आज, बहुत कुछ मजेदार सा, और आप लोग होपफुली आप एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा। और इनका एक नया टैलेंट आदि और फैजी का आप लोग देखेंगे, जो टेक्निकली बहुत और माशाल्लाह बहुत अच्छे एंटरटेनर और आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे, लेकिन आप इनको एक नए रूप में देखेंगे। और मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था इनको रिकॉर्ड करना। या तुम क्या डार्क रिकॉर्ड करना चाह रहे हो या तुम मस्ती डालना चाह रहे हो? मस्ती डालना, वही कह रहा हूं ना, बहुत पीछे जा रहा है। और ये सुन के ना तोड़ नहीं है, तोड़ो नहीं। अच्छा चले, और ये सुन के ना, ये हम बात भी करेंगे, दो हाथ भी करेंगे, और लाइट भी करेंगे, और राइट भी करेंगे, हम काम भी करेंगे, हम नाम भी करेंगे, सब शोर भी करेंगे, वंस मोर भी गाएंगे। यार आदि तू तो अच्छा कर रहा है यार, कैमरा ट्रिक है भैजू। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 कुछ दोस्त भी होंगे, दो होस्ट भी होंगे, क्यूट मोस्ट भी होंगे, फिर टोस्ट भी होंगे, सारा फैंस का करम है, यही अपना भरम है, कुछ जोक्स हैं ठंडे पर शो ये गरम है। नॉर्मली इस तरह का हमने काम किया है, आर्टिस्ट शो कराने जरा प्रॉब्लम होती है, तो इट्स एक्चुअली अ टीम वर्क, तो होपफुली यू लाइक इट और स्टे ट्यून। आम आदमी आएगा आएगा आएगा, हनी सुनाएगा सुनाएगा सुनाएगा, टैलेंट भी आएगा आएगा आएगा, चांद लगाएगा लगाएगा लगाएगा, मजेदार मजेदार, पिच चेंज करके बोलेंगे आम आदमी आएगा, कहानी सुनाएगा, टैलेंट भी आएगा, चांद लगाएगा, मजेदार मजेदार, मॉनिटर देख के जोड़ दिया, एडिटिंग के पैसे बच गए, मजेदार मजेदार, ये तो बहुत ही मजे का है यार, किसने बनाया मेरा अंडे वाला बर्गर? द मजेदार शो। तो ये था जी हमारा BTS फेस्टिवल, कैसा लगा? बहुत जबरदस्त है यार। अच्छा ये तो एक ऐसा आदमी जो किसी चीज की बुराई करते नहीं है, इनसे जब पूछो तारीफ ही करते रहते हैं। नहीं, जो अच्छा काम है वो तो करना पड़ेगा यार, उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपने जैसे बताया कि आपने लेजेंड के साथ भी काम किया और अभी आप नए लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप वो बड़ी मजेदार जनरेशन में जिसने दोनों देखा है ना, तो अभी के लोगों में और पुराने लोगों में काफी फर्क है आई एम श्योर, क्या मेजर फर्क है? देखो सीनियर्स को तो हम जज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उन लोगों का एक एक्सपीरियंस है, जिस तरह से काम उन लोगों ने किए हुए हैं या जिस, अब मैं ये समझता हूँ अब ज़रा आसान हो गया ना थोड़ा काम करना, क्योंकि अब 3-4 कैमरा प्रोडक्शंस नहीं है, सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होती है, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ गए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको अब 4-4 घंटे 6-6 घंटे या 10-10 दिन 6-6 महीने आपको चैनल के बाहर नहीं खड़े होने पड़ता, प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, बिल्कुल। सो आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई पिक हो जाता है और उसको काम मिलना शुरू हो जाता है, कुछ डब स्मैश से आ रहे हैं, कुछ टिकटॉक से आ रहे हैं, कुछ यूट्यूब से आ रहे हैं, तो टैलेंट आए जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
इसी तरह से जो हमारे सीनियर्स थे, रिहर्सल्स का टाइम होता था, फिर 3-4 कैमरा प्रोडक्शंस होती थी, पूरा पूरा सीन जो है वो वन गो में करना होता था, उससे पहले ड्रामा लाइव ऑन एयर जाया करता था. सो यू नो लाइक एक पूरी चीज़ जो है वो चलती आ रही है. आज के दौर में भी हाँ ये बात सच है कि उस ज़माने में आपका ड्रामा चला, आप पसंद आ गए लोगों को, आप ओवरनाइट स्टार बन गए. अब 10-10 साल, 5-5 साल आपको मेहनत करनी है, तब जाके आप रजिस्टर्ड होते हैं, आप लोगों को नज़र आने शुरू होते हैं, आप लोगों को समझ आने शुरू होते हैं कि अच्छा ये लड़का है या लड़की है जो जिसने शोबिज़ में काम शुरू किया है. सो टाइम लगता है रजिस्टर होने में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. पर हाँ, मेहनत पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है. अगर कोई समझे, अगर किसी के दामन में आगे कोई चीज़ गिर गई है और वो उसको ईजी ले रहा है, तो फिर ऐसे मौसमी फल जो हैं बहुत अरसे से हमने भी देखे हैं, आए चले गए. मुस्तकिल काम करने के लिए आपको वाकई मेहनत की जरूरत होती है. वक्त हुआ है पहले ब्रेक का. ब्रेक लेकिन नहीं, ऐसे कैसे होगा कि फैसल भाई आए, हमसे बात करें, हम फैसल भाई से बात करें. फिर वो चीज़ जो हम इतने सालों से बोलते आ रहे थे, आज हमने कर दिखाया उसको. क्या हमने किया? कुछ ऐसे है कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे फैसल भाई, तो हमने एक यहाँ जगह बनाई है जिसमें हम अपने नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे. तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको वाला प्लेटफॉर्म भी दिखाएंगे और एक ऐसा टैलेंट दिखाएंगे जो शायद आपने पहले ना देखा होगा. शायद मैंने देखा. ये लोग डिसाइड करते रहेंगे. आप लोग जाइए और ब्रेक देखिए और शायद मत देखिएगा, जल्दी वापस आएगा. वी विल बी राइट बैक. पोलियो वैक्सीन से इनकार लाखों बच्चों को हमेशा के लिए माजूरी में मुब्तला कर रहा है. समझदारी से काम लीजिए, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा पूरी कौम का मुस्तकबिल है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और जो बात हो रही थी टैलेंट की, वो हमारे सामने आ चुका है. तो नहीं, हम नए टैलेंट की बात कर रहे हैं. नए टैलेंट की बात करें, हमारे पास एक जबरदस्त सिंगर मौजूद हैं जिनकी वीडियोस हमने इंस्टाग्राम पे देखी और हमने उनको इनवाइट किया. एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस, जिन्होंने हमें ऑब्लाइज किया और वो यहाँ पर आए हैं. बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, आपकी हम मुलाकात करवाते हैं आयशा इजलाल से. आयशा कैसी हैं आप? I'm great. आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत प्यारे हैं, आप देख सकती हैं. मुझे बताएं कि आपने सिंगिंग की कोई बाकायदा कोई तालीम हासिल की है या आप शौकिया सिंगर? मैं बचपन से गाती आ रही हूँ, जैसे मेरे अब्बू गाते हैं, उनको देख देख के मैंने सीखा और बस ऐसे ही स्टार्ट किया. इनके जो अब्बू हैं वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं. अच्छा जी. अच्छा, ये आप अपना टैलेंट दिखा रहे, आप कैसे आते हैं इनके अब्बू को? क्योंकि वो मेरे साथ मोटरसाइकिल चलाते हैं. ओ, डबल सवारी में? बड़ा अजीब, बड़े ताल्लुक है. डबल सवारी में का है? डबल सवारी नहीं, वो अपनी चलाते हैं. अच्छा, वो अपनी चलाते हैं? मैं अपनी चलाता हूं. हां, मैं कैसे साथ बैठ के चला. वाह, लेकिन इसके अब्बू वाकई बहुत अच्छा गाते हैं. वाकई अब्बू भी गाते हैं? आपके अब्बू भी गाते हैं? अच्छा जी, बहुत अच्छा. आप तो यही बोलेंगे, जाहिर सी बात है आपके अपने अब्बू हैं. नहीं नहीं, मैं तो गवाही दे रहा हूं ना. अच्छा, आपके तो दोस्त हैं वो? अच्छा भाई, नहीं है तो आप दोनों आपस में शो कर लें, हम लोग जा रहे हैं. ओके, खुदा हाफिज़. ये सारा शो निकल के इनके अब्बू पे क्यों चला गया? अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि जब हमने आपको पहली बार कॉल की, कि हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, आपका चैनल देखा है, तो आपने ये क्यों बोला यार कि बाद में बात करती हूँ, टाइम नहीं, और फोन काट दिया? मतलब अभी तो आप स्टार बनी नहीं. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था. आई वाज सो एक्साइटेड. मतलब दिस इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म. मतलब आई एम गेटिंग टू शोकेस माई टैलेंट टू अदर पीपल एंड दिस इज जस्ट ग्रेट. आई एम रियली हैप्पी. कह रही है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे जगह मिली है. समझ में नहीं आ रहा. बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे जगह मिली है और आपने मुझे यहाँ बुलाया. मेरी तो आई साइड ब्लर हो गई एकदम से, इसीलिए मैंने फौरन तर्जुमा कर दिया. ठीक है, ठीक है. अच्छा आयशा, क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं आपको चांदनी रात सुनाऊंगी, अली सेठी का. लेकिन अभी तो टाइम नहीं है चांदनी रात का. क्यों, तकरीबन टाइम हो गया, रात हो जाएगी अभी. चलो शुरू करें फिर, देखते हैं. चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है. चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है. लव पे एक बार बड़ी देर के बाद आई है चांदनी रात. ना खुले आंख अगर
Anita. Thank you. बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने गाना नहीं सीखा हुआ है, बहुत अच्छा गाया आपने से गा रही है। आप लोग को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि पीछे से मैं गा रहा था, वो सिर्फ लिप सिंक कर रही थी। अच्छा, तुम आवाज पतली कर लेते हो? जी जी जी। मतलब तुम्हारी आदत नहीं हुई अभी तक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब कोई और होता तो मान लेता, फैसल भाई बैठे थे तो झूठ भी नहीं बोल सकते। मास्टर सर आइए। चलिए, अच्छा जी फैसल भाई, हम आपके साथ एक फटाफट गेम खेलेंगे जिसका नाम है बोरो। मजेदार 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 मजेदार। बोरो में कुछ ऐसे होगा कि हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर और आप हमें बताएंगे कि आप उनसे क्या बोरो करना चाहते हैं। ओके, ठीक है ना? और वो कोई भी हो सकता है और आप उनसे कुछ भी बोरो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आदिभाई आप समझ गए? बिल्कुल समझ गया मैं। अच्छा जी, 1 2 3 पहली तस्वीर हम दिखाएंगे। हाँ जी, आमिर लियाकत हुसैन साहब। मेमोरी, मेमोरी बोरो करना चाहेंगे। मेमोरी बहुत अच्छी है इनकी, आमिर लियाकत की मेमोरी। अच्छा, उफ, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट तस्वीर अनवर मकसूद साहब। इनकी लिखाई, वाह बिल्कुल मजा, हाँ जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट तस्वीर फहद मुस्तफा। एनर्जी, क्या सही टिका के जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमजा अली अब्बासी। फैसल, मांग ले, बता क्या चाहिए, बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा बस ठीक। अच्छा, हाँ जी, क्या मांगना चाहेंगे आप इनसे? क्या मांगेंगे? ट्विटर का पासवर्ड मांग लें आप, मैं कहता हूँ 500 मांग लें इनसे। रंग मांग लेता हूँ। रंग? हाँ यार, आप रंग अच्छा है ना? हाँ ये बात है। हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट बताइए। हाँ साहब, हाँ साहब, टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट कौन सा वाला भाई? कौन सा टैलेंट नहीं? अच्छा, सारे टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड, माशाल्लाह, सारे टैलेंट लेना चाह रहे हैं। हाँ जी ठीक है, आइए। अब कौन आया भाई? साहिर, साहिर, साहिर जी। साहिर का अंदाज जो शायरी करता है ना, हाँ क्या बात है, जबरदस्त जी। पता है मैंने उनका एक बार रेडियो शो सुना था और मैं सुनते सुनते रोने लग गया था। क्यों? वो बहुत रोमांटिक तरीके से कह रहे थे, मुझे तो शायर भाई से प्यार हो गया थोड़ी देर के लिए। तो फिर रोने वाली क्या बात है? वो रोमांटिक था ना, दिल टूटा टाइप की। अच्छा, तभी तूने ये जैकेट बनवाई है? बिल्कुल ऐसी, उसी याद। चलें जी। हाँ जी, अगले कौन है? लाला। लाला, लाला क्या बात है, लाला की जो जान है, जो छेद मारता है। हैंडशेक कैसा है यार इनका? अल्लाह माफ, हैंडशेक इनका ऐसा है कि आपको लगता है मतलब आपके बंदे ने हिला दिया ना आपको अंदर से। अच्छा, मुझे कुछ बोरो करना पड़े ना तो मैं उनकी वो जो नई डॉटर है ना, छोटी सी क्यूट सी, वो मैंने भी थोड़े दिन पहले देखी, वैसे गुड़िया है, पता है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया सी है, माशाल्लाह। हां जी, ये आ गए शेख रशीद साहब का कुंवारापन। कुंवारापन? यार आप कुंवारापन क्यों बोरो करना चाहते हैं भाई? मतलब शेख साहब अभी तक कुंवारे हैं ना। हाँ तो ठीक है। नहीं, हाँ तो आप क्या खुश नहीं है? नहीं नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है खुश। तो फिर आप क्यों कुंवारापन मांग रहे हैं? दिन के लिए ऐसी भाई कौन सी मिल जानी है। हाँ ये भी है, ये गेम चल रहा है ना, ये तो सब भाभी के आदमी है ना। वेरी गुड, अगला आ गए। ओ पहले यूं करें आप, आई एम रिस्पॉन्सिबल ज़का। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको पता है कि सोशल मीडिया कैसे चलाना है, तो इससे मैं वो चीज जरूर हासिल करूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट वसीम भाई। वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई की यार जो इन स्विंग है और आउट स्विंग है, वो आज तक नहीं समझ आया कि वो और ये मैं मजे की बात मतलब बताऊं, ये हमने कोई अभी 2 साल पहले एक मैच खेला है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 कदम से बॉल कराते हैं और आप उनकी एक बॉल को बल्ला लगा कर खेलने नहीं देते अभी भी, वो जो बात है जी, जो बात है। ये वैसे क्वालिटी मेरे में भी है, अगर मैं बॉल कराऊं तो बैट्समैन बल्ला नहीं लगा पाता। हाँ, क्योंकि तुम इतनी बाहर कराते हो ना। देखा, अच्छा मुझे उस तरफ कराता, दूसरी तरफ पेक नहीं आती हूँ आज वहाँ। अच्छा फैसल भाई, मुझे एक बात है, मुझे आपसे ना एक बात पे गिला है। अच्छा, वो ये है कि आप माशाल्लाह बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन तमाम कैरेक्टर्स जो है वो सीरियस है। हाँ। मतलब मुझे अभी याद पड़ता है पिछले कोई 2-3 सालों में, किस दिन के अलावा आपने सारे जितने किए वो सारे सीरियस सीरियस हैं, तो कॉमेडी की तरफ आप क्यों इतना कमाल आया था कि आपकी इतनी कमाल टाइमिंग? चलो तुम्हारे शो पे बता देता हूं। हां जी बताएं। सरप्राइज अनकरीब खुलने वाला। अरे अरे देखे थी, हमने बताया था आपको कि हमारे शो पे आने का ये फायदा है कि आपको वो चीज़ भी पता चलेंगी जो आपको आमतौर पे नहीं पता चलती, तो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं। अब मुझे पता है इसके बाद इतने टैग्स आएंगे अभी, इतने सारे। हाँ देखो, ये भी तो हो सकता है कि फैसल भाई ने हमें जलील कराने का प्लान बनाया हो, कोई सरप्राइज ही ना हो, फिर लोग बोलेंगे आप तो ये भी जाएंगे झूठ बोलेंगे इतने बड़े बड़े मुंह लेकर। मैं सच बताऊं तो मैं जलील नहीं करवा सकता। हाँ मतलब गुंजाइश ही नहीं है। हाँ आप इतना जलील होगी तो यहीं तक पहुंचे। अंदर की बातें खुल रही हैं लोगों और वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं वापस आते हैं, कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और अब हम फैसल भाई को ले आए हमारे गेमिंग जोन में। यहाँ पर जितने गेम्स खेले जाते हैं वो यहाँ खेले जाते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा लिहाज किया क्योंकि फैसल भाई के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं, हम यहाँ पराठे बनाने लगे हैं। हाँ हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आगे करेंगे भी। फैसल भाई आपके साथ जो हम गेम खेलने लगे उसका नाम है दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार।
वैसे तो ये रैपिड फायर भी हो सकता है क्योंकि हम आपसे तेज तेज सवाल करेंगे और आप हमें तेज तेज जवाब देंगे। ये है दिस और दैट। बेहतर एक्टर कौन है, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सिद्दीकी। यार ये क्या चालाकी की आपने, क्यों हुमायूं सिद्दीकी कौन है भाई? है? ये तो तालुका जुड़ते हुए नजर आ रहे भाई, मेरी मर्जी ना, मैंने दोनों को मिला दिया। ये ऐसे जवाब यही दे सकते हैं। अच्छा जी, बेहतर एक्टर कौन है, आमना शेख या सबा कमर? आमना शेख। आमना शेख। यासिर नवाज या समी खान? यासिर नवाज यार बहुत सीनियर है। ठीक है, सोनिया हुसैन या माया अली? मुश्किल, आई थिंक बोथ। ठीक है, वैसे कभी कभी डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं बात, मैंने बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, वरना बिल्कुल सीधी बात। बेहतर सिंगर कौन है, शफकत अमानत अली या सज्जाद अली? सज्जाद अली। वाह। आतिफ असलम या आजम अजहर? नहीं, आतिफ बहुत सीनियर है, आसिम को अभी टाइम, आसिम इज अमेजिंग, लेकिन आतिफ बहुत बहुत यार, मतलब आप कह रहे हैं कंपैरिजन नहीं है? कंपैरिजन नहीं, ठीक है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। आयमा बेग या मोमिना मुस्तहसन? आयमा बेग, एनी टाइम। एनी टाइम भाई। अताउल्लाह ईसा खेलवी या राहत फतेह अली खान? राहत फतेह अली खान, लेकिन वही वाली बात है कि जिनको अता साहब पसंद है, अता साहब का एक अलग जॉनरा है और राहत का, मेरे ख्याल से जॉनरा का बहुत 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 फर्क है। जी आदि। अच्छा ये बताएं, बनियान स्लीवलेस या आधे बाजू वाली? आधे बाजू वाली। ये बताएं, चावल जो है हाथ से या छुरी से कांटे? हाथ से। ये बताएं कि बिरयानी में आलू या नो आलू? नो आलू। ये बताएं, बच्चा सो जाओ मुन्ना, बच्चा चले दबा सो जा के। यार ये तो नहीं, तो मैंने तस्वीर, माशाल्लाह इतना क्यूट है वो। हाँ एक ही जैसे आ जा रहे हैं सारे, बिल्कुल दरवाजा खोलो सब एक ही जैसे खड़े हो, समझ नहीं आती मैं सब कौन से। अच्छा ये बताए, चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट। ये बताए कि खूबसूरत लड़की या दिल की अच्छी? दिल की अच्छी। ये बताए कि कत्ल वगारत वाले ड्रामे या हंसी खुशी वाले ड्रामे? हंसी खुशी वाले ड्रामे। ये बताए कि मैंने अंदर बनियान पहनी है कि नहीं? नहीं। इनको कैसे पता है? इनको कैसे पता है? मुझे पता है भाई। आपको कैसे पता चला यार? मैं भाई, मैं 5 साल 6 साल से जानता हूं। हाँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं, हाँ, कि फेवरेट को एक्टर कौन है, एजाज असलम या नवीद रजा? भाई वो छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है, और एजाज के साथ मैं और तुम वाली बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। नवीद के साथ एक अलग भाइयों वाली बॉन्डिंग है। और नवीद तो अब हमारा भाई और करीबी हो गया है, क्योंकि माशाल्लाह उसका चेक आया, एक दो जगह से डिफेंस शिफ्ट हो गया वो। सवेरा नदीम या फरियाल महमूद? सवेरा नदीम। फरियाल एक अलग, मतलब अभी छोटी है। अब ये बताए ना लेना, आदि या फैजान? चले माइक ड्रॉप। चले माइक ड्रॉप। बड़े अपनी तरफ से फैसल कुरैशी शो पे आए हुए हैं, जब जवाब दे यार, रखे मेरे, यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, कैसे मुश्किल? अरे अरे जवाब दे यार, टूट जाएगा आराम से, आज ही बनवाया आराम से। जवाब चाहिए मुझे, जवाब। इसके बाद और मुश्किल है फैसल पे, गुगली आ रही है इसके बाद। जवाब दो फैसल कुरैशी। फैजान, चले छोड़े मैं फैजान। पूछो क्यों? क्यों क्यों? ओ भाई मैं उसको कोई 15 साल से जानता हूँ। इतने से जानते बिल्कुल। तुम 15 साल के इतने से थे? हाँ। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं उन लोगों को जज करूं। अच्छा जी, अब ये बताइए, तुम्हारा सेशन शुरू। सना भाभी आयत बताओ। सुन रहे, सना नहीं होती तो आयत कहाँ से आती? और लड़का खेल गया। चलो आ गया। अच्छा ये बताए, सूट या टी शर्ट? टी शर्ट। शलवार कमीज या सूट? मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है, चड्डा सिर्फ, छोटा वाला। अच्छा हुआ चड्डा पहन लिया, आखिरी टाइम में चड्डा पहना है आपने, हमने देखा आपको बिल्कुल। ये बताए कि डांस या होस्टिंग? डांस। क्या बात थी तुमने, क्या डे यू, फजूल बातें कर। मैंने दोनों में से कुछ नहीं कराना, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा था भाई। क्या हो गया आप लोग? अरे एक सेकंड यार, 1 2 3 गो, शुरू हो जाए। मैं चला चला। ये हम ऐसे ही बस फ्रेंड कर देते हैं। हाँ वो हमारी प्रॉब्लम है। हाँ आपको पता है, ये बताए कि चाय या कॉफी? कॉफी। आइसक्रीम या केक? केक। निहारी या पाए? निहारी। कुत्ते या बिल्लियां? कुत्ते। यार ऐसे ही तुझे पसंद नहीं करते, देख बड़ी बात है। कुत्ते कह रहे हैं, कुत्ते। क्या हो गया? मेरे पास है ना कुत्ता। जी मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल देखा है। कुत्ता नहीं है इसका, आता जाता नहीं है। अगला सवाल करते ना। पूछो। गाड़ियां या बाइक्स? हंस गए। एक ही सेकंड में 4 दफा फंसा,
एक ही सेगमेंट में चार दफा फंसाया इनको हमने। बाइक्स बाइक्स। अच्छा ये बताएं लड़की की नाक पे दिल या आंख के नीचे? ओफो, वैसे नाक भी आंख के नीचे ही होती है। नहीं नाक पे। अच्छा नहीं नहीं हमने देख लिया ये पहले आदमी जिन्होंने कान में बोला और हमने देख लिया। वेरी गुड फैजल भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पूछो पूछो आगे पूछो। आइए बताइए के बच्चे दो ही अच्छे या फिर आने दो भाई आने दो? नहीं नहीं भाई क्यों दो मतलब? हाँ नहीं नहीं कह रहे कि स्लोगन कौन सा अच्छा है, बच्चे दो ही अच्छे या आने दो भाई आने दो? दो बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि टाइट कपड़े या लूज कपड़े? डिपेंड करता है यार, अभी तो अगर अगर आप आपका जिस्म ऐसा है कि आप टाइट कपड़े कैरी कर सकते हैं तो बिल्कुल टाइट कपड़े पहने, ठीक है। नहीं ये जो लोग कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो तो अपनी मर्जी से पहनते हैं ना, उसका मतलब कुछ और है। अच्छा वो ये मतलब नहीं, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार, क्लियर कर रहा हूँ क्या होगा। हाँ ये बताएं लड़की के साथ डिनर पे जाना या लड़की के साथ फिल्म देखने जाना? पहले तो उसको निवाले बना के खिलाना बंद कर। वो ऐसी मैं सोच रहा था। अच्छा क्या लड़की के साथ डिनर पे जाना या फिल्म देखने जाना? दोनों सूरतों में मुझे 76 पड़ेंगे, मैं नहीं जा रहा। करना ही नहीं ना भाई, सही बात है, गलत जगह क्यों लेके जा रहे हैं भाई? आई एम अ मैरिड मैन। अरे एक मिनट, आप लोग समझ रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं है से पूछ रहा हूँ। लड़की तो वो ऑफिस में वाली भी लड़की होती है ना, तो हमारा तो ऑफिस नहीं है। अच्छा भाई आपकी फेवरेट हॉलीडे स्पॉट? बहुत सारे हैं यार, मेरे ख्याल से अगर मुझे मौका मिले मैं टर्की जरा ज्यादा चला जाता हूँ भाई। और टर्की का मैं आपको बता दूं, मेरा टर्की जाना हुआ, वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक बाकायदा फैन क्लब है जो टर्की से रन होता है। फैसल भाई के सारे ड्रामे टर्किश में देखते हैं जी। हल्का नहीं लेना है आप लोगों ने, बिल्कुल भी हमारे शो पे आए हुए, कुछ तो ताल्लुकात होंगे इनके साथ हमारे, ठीक है ना। अच्छा आप ये बताइए कि आप पार्टी करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है या कहीं बैठ के बस हल्का सा खाना खाया एक्चुअली बिजी था ये करना? अब एज नहीं है पार्टी की, मतलब वो यार वो होती है टीन वीन में होता है वो शौक, वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अब मुझे ज्यादा मजा आता है कि घर पे आप खाना वाना खाएं, थिएटर है उसमें बैठ के फिल्म देखें, आराम से दोस्तों के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, आप एंजॉय करें। आपका किया हुआ अपना फेवरेट कैरेक्टर? अबे बहुत सारे हैं। एक मैंने जो भी किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि वो मुझे पसंद एक आप बोले यार ये मेरा, बस मैं कहता हूँ ये है। मैं हमेशा इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ जो लोगों को ज्यादा पसंद आया है, सो वो फिर उनकी वजह से मुझे पसंद आया। वो भी तो बहुत सारे हैं, तो बस वही वाली बात है। एक बताएं आप बोले यार, ये मैं कहता हूं मुझे एक बात बता, अपने बच्चों में आप ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है और कौन सा नहीं? अच्छा और कोई एक कैरेक्टर जो आप कहें और मैं करना चाहता हूं? यार दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब है, तो उतने कैरेक्टर्स हैं, तो वो तो मैं जिंदगी में पूरे नहीं कर पाऊंगा। ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं, इनको बताया नहीं था, ये हमारे ऊपर से गुजर जाती है ऐसी बात। अच्छा, अच्छा, अच्छा अगर आप सुपर हीरो होते तो कौन से होते? किसे सुपर हीरो होते तो कौन से होते? सुपरमैन। पक्का सुपरमैन? यहाँ तारों में फंस जाते बिजली के आप? नहीं मैं यहाँ निकल लेता ना, यहाँ नहीं होते ना, इस्लामाबाद चला जाता। अच्छा ये बताए ज्यादा आपको क्या पसंद है, पीना या खाना? खाना, ठीक है। हाँ फैजान कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं कि तेज मसाले वाला खाना या हल्के मसाले वाला? मसाले वाला खाना। ये हमारे पास बहुत कम ऑडियंस है लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ सही है, सही है। अच्छा ये बताएं अगर दांत में बोटी फंस जाए तो फ्लॉस यूज करते हैं या नहीं? ऐसे करके टूथपिक। हाँ हाँ। अच्छा कान खुजाना अच्छा लगता है या बुरा? नहीं कान नहीं खुजाता मैं, मुझे मेरे कान में खारिश नहीं होती। वो नहीं करते चाबी लेके? नहीं वो नहीं होता। स्टार्ट होने की कोशिश नहीं करते। वो एक रूटीन बनी हुई है, रोजाना नहाने के बाद वो कॉटन बर्ड्स आती हैं, उनसे आप अच्छी तरह से कान साफ। अच्छा बारिश में नहाते हैं या बैठ के पकौड़े खाते हैं? नहीं नहीं बारिश में नहाता हूँ भाई, बाकायदा बाकायदा। और अभी चंद दिन पहले मैं लेके फरमान को घुस गया बारिश में। कितनी देखो अजमत है हमारे लोगों की। जी, लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हम तो रैफ्टिंग कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है ना। तो सिंध हुकूमत इतना काम कर रही है, लोगों को मुफ्त में जगह जगह स्विमिंग पूल मिल रहा है, मतलब अच्छा। आप ये बताइए कि आपके घर में 10 मेहमान आए हुए हैं, तो ये 10 मेहमान आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या आप उनके साथ टाइम गुजारेंगे या उनको लात मार के निकाल देंगे? घर आया हुआ मेहमान तो भाई कोई भी दुश्मन भी हो उसको आप निकालेंगे? ऐसी है। अच्छा खासे खानदानी आदमी। हाँ तुम्हें भी तो घर में आने देता हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने मुझे कहीं और बिठा देते लेकिन ये। हाँ
बाहर की तरफ इन्होंने एक रखी हुई चीज उसके साथ। हाँ। ये बताइए कि बेंजी नाम है उसका, बेंजी, बेंजी के साथ बिठा रहे थे मुझे। हाँ। और बेंजी भी मुझे पसंद नहीं कर रहा। खैर तो मुझे ये बताइए कह रहा है मेरे जैसा दूसरा क्यों घूम रहा है, जब मैं हूँ तो क्या जरूरत है। जब मैं हूँ तो क्या, और मैं तो अच्छी नस्ल वाला हूँ, ये क्या कर रहा है। अजीब सा फील हो रहा है सब सुनते हैं, तुझे नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, लंबे बाल या छोटे बाल किसके, किसी के भी हो, आपका क्या मसला भाई। नहीं नहीं, लड़का या लड़की। अच्छा लड़का या लड़की, लड़के के, लड़के के छोटे बाल, लड़के के छोटे बाल, लड़की के, लड़की के भी छोटे बाल। अच्छा लड़कियां जिन्होंने एक्सटेंशन लगाई होती है, लड़कियां थोड़ी थोड़ी गंजी, लेकिन अपने असली थोड़ी थोड़ी गंजी तो क्या हो गया, कैसी बात है। असली बाल खाना डिपेंड, खाना हाथ से या चमचे कांटे से, खाना हाथ से, खाना। अच्छा डिकार जो है ऐसे मारते हैं या डिपेंड करता है कहाँ मौजूद हूँ, अगर आजाद हूँ तो फिर तो खुल के भाई आपका आम उससे खाते हैं। नहीं नहीं, कहीं मत जाएगा, हम इसी गेमिंग जोन में खड़े, एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम बाकी है। राइट बैक, वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और हमने जैसे आपसे कहा था कि एक और इंटरेस्टिंग गेम बाकी है और इस गेम का नाम है क्या ख्याल है। मजेदार 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 मजेदार, क्या ख्याल है आदि भाई, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, क्या ख्याल। ये वैसे हम काफी अरसे से पूछ रहे हैं तुमसे क्या ख्याल। हाँ, तुम तू नहीं बताते हमें क्या ख्याल। बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा हाँ जी, ये बहुत अरसे से बस मैं उम्मीद से। वैसे आपको एक हम टॉपिक देंगे या एक बात कहेंगे, उस पर हम आप बताएंगे कि आपका क्या ख्याल है। ठीक है, जैसे कि टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल। आई थिंक बहुत सारा टैलेंट जो है वहाँ से मिल रहा है, और जो राइटली डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उनको काम भी मिल रहा है। कुछ देख के सिर्फ कॉपी कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आप जब अपना कंटेंट बना रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के पायनियर होते चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको टिकटॉक पे काम करने की वजह से बहुत सारा काम मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आजकल डिफेंस पूरा खुदा है, इसके बारे में क्या ख्याल है। यार ये मेरी समझ में नहीं आता है, मैं खुदा की कसम ये मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ, तुम लोगों ने मुझे अच्छी जगह दी है बोलने की। दुनिया भर में या पाकिस्तान में, मैं लाहौर में भी जब रहता था, मैंने नहीं देखा कि नाले जो हैं वो सड़क के बीच में बने हुए हैं। नाले या तो फुटपाथ के नीचे होते हैं, या इस फुटपाथ के नीचे होते हैं, या इस फुटपाथ के नीचे होते हैं। ये सड़क के बीच में नाले कहाँ होते हैं? नाले तंग करने के लिए नहीं होते। बिल्कुल। सो गाड़ी जा रही है, अब वो जाहिर सी बात है, वो छोटी गाड़ी अगर उस पे से जाती है और गड़बड़ बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। और मेरी अम्मी तो इतनी ओवर एक्टिंग करती है, गाड़ी लाके खड़ी भी कर दो ना तो वो हिलती रहती है, ऐसे में कहता हूं गाड़ी रुक गई है। तो बहुत ही बुरे आदमी है। हाँ, तो भाई ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। ऊपर से डिफेंस में फवारे देखने को मिलते हैं। अरे वाह, फाउंटेन हमें पता ही नहीं था इंस्टॉल हो गए। हाँ। बारिश हुई है तो बताया नहीं किसी ने, हमें बताया नहीं, उन्होंने करके दिखाएंगे। पॉजिटिव साइड देखें, पॉजिटिव साइड। तो हमें बगैर टिकट लिए फुहारे देखने को मिलते हैं जब बारिश होती है तो। वेरी गुड, वाह। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ बहुत सारा सोशल डिस्टेंसिंग का कहा है और ये सब कुछ कहा है, तो लोग सीवी हमने बंद कर दिया है, लेकिन वही सारी काम अब गलियों में से फेज 8 जाके जमा होकर बैठ जाती है, इसके बारे में क्या क्या ख्याल। यार इस पे जिसकी जितनी अकल है उसको उतनी समझ है। लोगों को पहले तो यकीन नहीं था, आज से 2-3 महीने पहले, कि COVID-19 टाइप की कोई चीज भी है। हाँ, ये भी एक मसला। जब उनको अपने इर्द गिर्द लोग पॉजिटिव होते हुए नजर आए, हमारे एक दोस्त ने एक दफा हमसे पूछा था कि आपकी किसी जानने वाले को कुछ है, कोरोना हुआ है। तो मैंने कहा था सबसे पहले कि हाँ मेरे जानने वालों को हुआ है, और हुआ था उस वक्त। सो लेकिन एक इसकी वजह से जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि आप बहुत केयरफुल हो गए। बिल्कुल। आप गन में नहीं घुसते, आपको अगर कहीं आउटडोर जाना है आप मास्क पहन रहे हैं, आप बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं या हाथ धो रहे हैं या अपना ख्याल रख रहे हैं। घर में घुसते हुए आप गंदे जूते घर के अंदर नहीं लेके जाते, आप कहते हैं नहीं बाहर उतार दो। जैपनीज की ये एक शुरू से वहाँ रिचुअल है कि वो घर के जूते घर में नहीं लेके जाते, उनको वो कहते हैं कि बाहर के शैतान घर में आ जाते हैं अगर आप जूते घर के अंदर लेके जाएं। सो ये रिवाज अब हमारे यहाँ शुरू हुआ है, और बहुत सारे पाकिस्तान में भी ऐसे घर हैं जिनमें अलाउ नहीं होता कि आप घर के जूते अंदर लेके जाएं, आप जूते बाहर उतारेंगे घर की चप्पलें अलग हैं। सो लोगों को ये अब समझ आ रहा है, उसकी वजह से बीमार कम हो रहे हैं लोग। भाई देख लें आप, नज़ला जुकाम खांसी है ही नहीं, या तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या ये। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमें एक गवर्नमेंट ने टाइम दिया है रेस्टोरेंट्स को 10 बजे का, उसके बाद जो शटर गिरा के काम हो रहा है और लाइटें रेस्टोरेंट की बंद कर देते हैं, उसके बाद पुलिस अंधी हो जाती है, उनको नजर नहीं आता रेस्टोरेंट चल रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है। यार हमारे यहाँ पुलिस को मैं अभी 4 दिन पहले मैंने देखा है, वो बगैर हेलमेट के बगैर मास्क के घूम रहे। अच्छा एक ये भी चीज देखिए, मास्क लगाया हेलमेट नहीं लगाया, कोरोना से बच्चों सर फटता फट जाए। वाह, हाँ बेड़ा गरक।
ठीक है ना, और हेलमेट आगे रखा हुआ होता है, है तो समझ में नहीं आ रहा बचा क्या रहे हैं, है तो ये सबसे बड़ा इशू है कि मास्क लगाया हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो लोग, हमें भी समझ नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है, पुलिस पुलिस ने उसको रोका कि ना तूने हेलमेट पहना हुआ है ना मास्क पहना हुआ है, तू क्या कर रहा है, वो कहता है चल है। पुलिस वाले, चार पुलिस वाले उसको पकड़े, वो हाथ में नहीं आ रहा। और मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने घर वालों का नहीं पता, पूछे कैसे, कैसे पुलिस वाला रोकता पता है, पूछते क्या है, तुम्हें पता मैं किसका बेटा हूँ, तो मुझे लगता है वो पुलिस वाले से पूछे नादरा को भी काम करना चाहिए। हाँ, तो कैसे पता होगा यार, फजूल बातें हैं यार ये, इस बात पे कोई बात नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल, अच्छा जी ये बताइए कि वो लड़कियां जो इजी लोड करवाती हैं लड़कों से, उनके बारे में क्या ख्याल, यानी कि सबा वो लड़कों का आप एक्सट्रीम सोचें कि वो बेचारा किस लेवल पे जा चुका है कि वो किसी भी लड़के को लड़की समझ के अपलोड करवा देता है। क्या बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो आपको फेक मैसेजेस करते हैं रोज सुबह के, फ्यूमिगेशन करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार अब हमारे यहाँ प्राइवेसी पे कुछ है ही नहीं मसला, आप क्या करें, किसी को क्या कह सकते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, आपको नहीं लेकिन और दूसरे खासतौर पर सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा हेट मेल, मुझे भी करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जेलस हैं ऑब्वियसली, आपसे वही इंसान चिढ़ेगा या जेलस होगा जो आपसे बहुत नीचे होगा। सो जाहिर सी बात है आप वो ऊपर देख सकता है, आप ऊपर से नीचे तो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, आप हमारी नज़रें नीचे ही हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जेलस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत नीचे है आप। और मतलब मैंने देखा किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, नहीं, नहीं आप पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज लगा लें, उसपे भी ट्रोल मिलता है आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अजीब सा फैशन है, ये नई चीज आई है। हाँ, एक फैशन हो गया, नोटिस होने के लिए भी आई है। हाँ, क्या आप नोटिस हो जाते हैं उससे? अच्छा, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पे आपका क्या ख्याल है? हमारे मुल्क में नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे कोई भी ऐसा एक्टर बताएं, वरना तो मैं आपको कहता हूं कि हैदर सुल्तान जो हैं आज वो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते, या वहीद साहब के साहबजादे सबसे ज्यादा काम कर रहे होते, या तुम हो, या नहीं तुम तो कर रहे हो ना, या मैं मुनव्वर जरीफ साहब के साहबजादे सबसे ज्यादा काम कर रहे होते, या साहब के ज्यादे। अब तुम सब छोड़ो बातें, जावेद शेख साहब ने अभी 2 साल पहले एक फिल्म बनाई है, उसमें उन्होंने इनायत को लिया, शहजाद शेख को नहीं लिया। सो देखो बात यह है कि ईमानदार हैं हमारे लोग, काम की वजह से आपको काम मिलता है, ठीक है। अगर आपको काम नहीं आता, या आपके लुक्स हैं, या आपका काम है, या आपका टैलेंट है, या आप फेमस इतने हो गए हैं कि आपको काम मिल रहा है, नेपोटिज्म टाइप की कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती। एक क्लिक मिल जाएगा, 2 क्लिक मिल जाएंगे, काम आप करेंगे अपने काम पे। मुझे, मैं तो इस बात पे ये भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी अगर आप नेपोटिज्म पे बात करते हैं, सो कुछ एक्टर्स हैं जो वाकई नेपोटिज्म पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी लड़के या लड़कियाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे भी, और वो मेहनत नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फैसल भाई ये थे हमारे गेम्स, आइए बैठिए, साथ साथ चलते चलते बताइए कि हमारे शो के बारे में आपका क्या ख्याल है। यार शो के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज हम तीनों का ट्रायल तो वैसे बड़ा मशहूर है, लेकिन ये ड्यू यहाँ पे मौजूद है, और आई एम श्योर तुम लोग बहुत सारे वंडर्स करने वाले हो, और जब भी जरूरत हो बुला लेना कैश पे, तो इंशाल्लाह। लेकिन आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस शो को, बिकॉज इन दोनों का मुंह नहीं रुकता, और इसका तो ब्रेक बटन ही नहीं है। थैंक यू फैसल भाई, आपने इतना सारा टाइम निकाला, और आप इतने प्यार से हमारे एक कहने पे फौरन से आ गए, फौरन से, और हमारे साथ आयशा मौजूद है, हम चाहते हैं आयशा का एक और गाना सुने। बिल्कुल, उसके बाद हम आपसे खुदाफ़ी चाहेंगे। आप लोगों ने देखा मज़ेदार शो, आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक इट देन डू ट्यून इन नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ रहा।
मजेदार मजे मजे मजेदार 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 ये मजेदार शो है काफी अच्छा फ्लो है शो काफी फास्ट है गाना थोड़ा स्लो है होस्ट करेंगे थोड़ा रोस्ट करेंगे जो पसंद आ जाए उसे पोस्ट करेंगे बाय मैं कुछ बोल लूं बोल ले बेटा शुक्रिया हम बात भी करेंगे दो हाथ भी करेंगे और लाइट भी करेंगे और राइट भी करेंगे हम काम भी करेंगे हम नाम भी करेंगे सब शोर भी करेंगे वंस मोर भी गाएंगे यार आदि तू तो अच्छा कर रहा है यार कैमरा ट्रिक है फैजू मजेदार मजेदार